Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Siddhu Vlog. So guys, Naseem Shah अपनी एक fan girl की story सुना रहे हैं and मैं ये video देखने के लिए पहले ही बहुत excited हूँ. आप लोग कितने excited हैं मुझे comment section में पक्का बताना. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया हुआ तो क्या फ़ायदा, क्या कर रहे हो guys? जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और भी अमेजिंग रिएक्शन वीडियोस मैं ला सकूं. आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय व्लॉगिंग चैनल एज वेल. इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है. लेट्स गो यार. मेरे फैंस है ना, वो मेरे तरह फकीर है. वो सबके साथ सेट है, वो चिल करते, वो हर प्लेयर को पसंद करते हैं. कोई वियर्ड इनकाउंटर हुआ हो अपने फैन के साथ और बड़े ऑकवर्ड सीन हो गया हो ऐसा कोई? एक जो मतलब इस तरह तो बहुत सारे होते हैं. एक जो मुझे याद है कि अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे अब्बू थे और बड़े भाई भी गाड़ी में बैठे थे. तो अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे साथ वाली सीट पे अब्बू बैठे हैं, पीछे मेरे बड़े भाई बैठे हैं और उनके सामने अब्बू और बड़े भाई. तो हम वैसे ही सर नीचे करके गाड़ी चलते हैं. हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के और बड़ों के. तो इसी में एक फ़ैन आई, लड़की थी, और वो मुझे कह रही, आई डोंट नो कि उसने पीछे देखा नहीं था अबू ये वो. तो कहते कि एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? अच्छा। कॉफ़ी वगैरह. तो अब मैं शीशे में देख रहा हूँ अबू को और पीछे, और बस ये करके मैंने ना गाड़ी फौरन निकाल दी थी यार. ये मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल अकवर्ड सिचुएशन हो गई थी. मैं अब इसको बोलूँ क्या यार, तो मैं फौरन निकल गया. और किस चीज़ को देख के अगर आपका मूड ऑफ हो और उस चीज़ को देख के आपका मूड एकदम से बेहतरीन हो जाता है? और इसलिए अगर बताऊँ, अगर मेरा मूड ऑफ हो, घर हूँ या कहीं भी हूँ और प्रैक्टिस करके आया हूँ बहुत थकावट की वजह से, और कोई भी बंदा मुझे एक कप चाय देना उस टाइम पे. अच्छा, चाय को देख के? चाय को फौरन देख के मेरा मूड ठीक हो जाता है. गुस्सा आपको यूजुअली किन बातों पे आता है? गुस्सा किन बातों पे आता है? गुस्सा तब आता है जब मैं ना कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे जल्दी हो और वहाँ पे ना ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा और एकदम से ट्रैफिक बन जाए और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. और एक ये हो कि मैंने कोई खाने का ऑर्डर दिया हो या भूख लगी हुई और खाना ना आ रहा राइट, खाना ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है. और जब पूछ रहे कितना टाइम है, कहते हैं 10 मिनट और वो 10 मिनट होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, गुजरते. आपकी सिस्टर्स आपका मैच देखती हैं? आर दे योर फैंस? यार मेरे सिस्टर्स उन बेचारों को तो बिल्कुल भी मैचेस की कोई समझ नहीं है क्रिकेट की. हाँ, मेरे लिए दुआएं बहुत करते हैं जब मैं जीतता हूँ. लोग उनको बताते हैं कि जीत गए तो खुश होते हैं. लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने जब हैट्रिक किया था तो मेरी बहन ने मुझे कॉल की. अब मैं जो दोनों बहनें, दोनों को क्रिकेट की समझ नहीं आती, तो एक ने कुछ और बोला था, दूसरे ने बहुत फ़नी बात की कि वो बच्चा आया था कि यार इसने ना कोई मैट्रिक किया कि पता नहीं क्या. मैंने हैट्रिक तो मेरे यार आपने मैट्रिक पहले नहीं किया था? तो मैंने कहा मैट्रिक नहीं, वो हैट्रिक होता है, वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया. अच्छा अच्छा क्रिकेट. तो मतलब वो इतना उनको नहीं क्रिकेट का नो आइडिया. आपकी एक काफ़ी न्यूज़ भी आई थी कि नसीम शाह की एंगेजमेंट हो गई है. इस तरह की न्यूज़ तो काफ़ी आती है. एक दफ़ा मैं गांव गया था तो दादी को किसी ने दिखाया होगा. ये सोशल मीडिया पे तो आपको पता है किसी की शादी होती है, किसी के यू नो क्या होते हैं, कुछ भी लगा देते हैं यूट्यूब वाले स्पेशली. तो वो मेरी दादी और घर वाले नाराज़ थे. मैंने बोला पता नहीं क्यों. अच्छा। तो बोले यार मतलब ये आप किस तरह बदल गए हो कि आपने मंगनी की और हमें बताया नहीं. उनको किसी ने ना सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह से दिखाया था. तो मैंने कहा दादी जी अगर मुझे पता होता मेरी मंगनी हो तो मैं ज़रूर बता देता. मेरी मंगनी का तो मुझे ही नहीं पता कहाँ भी हुई है. ये तो सोशल मीडिया वालों ने करा दिया. सोशल मीडिया का दौर है. तो हाँ ऐसे यू नो चलते रहते हैं सोशल मीडिया में. आप कुछ किन चीज़ों के शौक़ हैं आपके या आपको पसंद है ख़रीदना? हाँ मुझे परफ्यूम्स का शौक़ है, लेकिन मैं नाम नहीं याद रखता. बस मुझे उस स्मेल जो भी पसंद आए मैं कहता हूँ बस ये मुझे अच्छा लगा तो ये वाला दे दो. आपकी ज़िंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? मेरे लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट जो है ना, वो मेरे लिए ये है कि जब मेरे अब्बू मुझ पर प्राउड फील करते हैं. वेरी नाइस. मुझे ऐसा लगता है नसीम शाह ना बहुत रिलेटेबल इसलिए एंड इनकी फैन फॉलोइंग इसलिए इतनी ज़्यादा, बिकॉज लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह कॉमन से इनके फेवरेट चीज़ें हैं. जैसे चाय अगर मिल जाए तो वो फेवरेट है,
एंड अगर खाना नहीं आ रहा, खाना कब से ऑर्डर किया हुआ, वेट करना खाने के लिए. ये हम सब नॉर्मल लोग भी होते हैं ना, जो हमारे भी यही थोड़े से नुआंसेस होते हैं. हमें भी इन्हीं चीज़ों पे गुस्सा आता है और इन्हीं चीज़ों पे हम एक्साइटेड भी हो जाते हैं, अगर खाना अच्छा मिल जाए, चाय अच्छी मिल जाए. एंड ट्रैफिक आजकल द सिचुएशन इज़ सो बैड. एंड मुझे फ़ैन वाला इंसिडेंट भी काफ़ी फनी लगा. आई थिंक मुझे नसीम शाह की एक चीज़ अच्छी लगती है, इज़ वेरी इनोसेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड. कि उनको पता है, वो कुछ भी आपको बता देंगे विदाउट फीलिंग कि अरे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए. ही इज़ नॉट एट ऑल कनिंग, ही इज़ वेरी इनोसेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड तभी उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो. आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी कोई और वीडियोज़ हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली रिएक्ट ऑन दोस. सो गाइज, दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइज.